तो वो 5 टन। ऑल सेट। गुलमर्ग का टेम्परेचर कितना होगा? माइनस है। स्नो वगैरह तो है ना उधर खूब? बाय बाय डल लेक। अभी जाते हुए गोंडोला राइड के लिए थोड़ी फिसलन ज्यादा है, ऊपर कहीं हमको जाना है। तो गोंडोला राइड का जो टिकट होता है उसका पर डे कोटा 4000 होता है, और ये जो राइड होती है 4:30 के बाद नहीं होती है। तो अच्छी बात ये थी कि हमारे गाइड ने टिकट को पहले ही ले रखा था, बट मेन प्रॉब्लम जो थी वो टाइम की थी, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और दिन था 31 दिसंबर। लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी है, बट हो गया है, अभी टाइम कम लगेगा वैसे। बट पीछे टिकट उधर क्यों नहीं होता? और हम ये होप कर रहे थे कि हम किसी तरह 4:30 से पहले गोंडोला में एंटर कर जाए, और लाइन जितनी लंबी बाहर थी उससे कहीं ज़्यादा लंबी अंदर जाने के बाद भी थी। कितने मिनट लगेगा? 2.4 किलोमीटर। हां 2.4। ओके तो 9 मिनट का है। ये बाइक है स्कीइंग के लिए, क्योंकि ट्रस्ट में यहां स्कीइंग चलता है, जैसे आजकल तो ऊपर चलता है। हां तो ये बॉक्स दिख रहे हैं इधर साथ में इसके। हां तो इसमें वो ऊपर जाते हैं, कम डाउन बाय स्की। ओके ओके। बिगिनर्स होता है उनको आपको ऑलरेडी मिलेगा टीचर, आराम से आप स्कीइंग करोगे। अगर आपकी इच्छा होगा इसमें आने का, देखो स्लाइडिंग से ये जा रहे हैं ना, जो हमारा टिकट है अप डाउन का टिकट है, ये भी एक एडवेंचर है। इसमें एक इंसिडेंट हुआ था 2017 में, उसमें 3 गाइड और एक फैमिली वो दिल्ली की थी, बच्ची तो मेंटेनेंस चलता होगा ना? हाँ इसमें, हाँ साल में एक दो बार मेंटेनेंस तो करते हैं, जैसे ये वायर चेंज करना पड़ता है, ग्रिफिंग हुक्स है ना ये चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि केबिन जो है ना कम से कम 4 लाख का एक केबिन है। ओके। जब ये प्रोजेक्टर बनाया गया है, ये 98 में बना है पहला लेवल, सेकंड लेवल 2005 में बना, बट उस टाइम दोनों फेज का इन्होंने मतलब मटेरियल लाया था 30 करोड़ का। अगर ये प्रोजेक्ट आज बनेगा ना तो इट विल टेक लॉट ऑफ मनी। पहले स्टेट जैसे 370 था, ये अंडर स्टेट गुरु में था, अभी सेंट्रो हो गया। अभी सेंट्रो तो ये है गुलमर्ग और गोंडोला राइड वहाँ कहीं पे ख़त्म होती है, और उसके बाद अभी जा रहे हैं स्टोन बाइक्स वहाँ पे है वो पता करने। चौस यहाँ पे भी होली लोगों ने सामान ये कैसे ले आते होंगे लोग? ये आता है गोंडोला से, जो भी है ना सर सब गोंडोला से सामान गोंडोला से आता है। बताओ कहाँ कहाँ पहुँच गए लोग? ये रही स्नो बाइक्स।
बताओ यार, दो दो है लॉन्ग का रेट फिक्स है, टिकट आपके सामने भेज रहा हूं, टिकट फिक्स है। फिक्स तो आप तो उसमें लिख के दोगे, आप तो बताओ इसमें लिखा हुआ है टिकट में 1500 ले लो, नहीं हो जाएगा सर, अब क्या करना है तुम्हारा? हां 1500 में लो। यहाँ से आगे जाएंगे क्या? अभी बहुत जाना, यहाँ से आप ड्राइव करोगे। तो ये रहा पीछे व्यू और हम लोग आ रहे हैं। एक्चुअली इसमें लॉन्ग राइड में आपको ड्राइव करने को मिलता है और हम ड्राइव करके आ रहे हैं वहाँ कहीं से। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो करें, बार्गेनिंग तो नहीं कर पाए। व्यू स्लेचिंग जो है ना नीचे के लिए, नीचे लेके जाएगा वो, नीचे लेके जाए वो। अच्छा ये सही है, जो पाउडर वाली स्नो है खुरदुरी, इससे ग्रिप मिलेगा। बड़ी फाइट है, इतने अच्छे जूते पहन के चलने के बाद भी दिक्कत है। सक्सेसफुली नीचे। शाम हो चुकी थी और ये मन अभी थका नहीं था। मन इस खूबसूरती को बिना किसी दखल के एक टक लगा के देखने का था। मन इस बर्फ में एक छोटे से बच्चे की तरह खेलने का था। मन इस जगह की खूबसूरती को और पास से देखने का था, जहां लोग बिल्कुल ना हों। मन इन सुंदर पेड़ों के बीच से ढलते सूरज को देखने का था। मन बंजारों के घर को देखने का था और खुद से बातें दो चार करने का था। ये स्लेज की राइड बहुत सुकून की तो नहीं, लेकिन यादगार जरूर रहेगी।